gentlemen, this is day 3 of our ongoing dig in Spiti series. We are now in Narkanda. Hum aur Nikhil enjoying our chai, beautiful sunrise ke saath. Aur aaj ka din start karte hain without any further ado. So let's get started. हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है आलू का पराठा एक अच्छे चाय के साथ और पहाड़ी टोपी के साथ और ये नजारे के साथ. अरे हमें बैठ के जो ब्लॉग बनाने में मजा है वो कहीं और नहीं. और इस वाइब का जो फील आप ले सकते हो मेरे वीडियो के थ्रू, मतलब अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे वाइब्स आपको मिलने वाले हैं. वीडियो को पूरा देखो और मजे लो इस वीडियो में. ये आगे जो आने वाले वीडियोज है वो इससे भी जबरदस्त और खतरनाक लेवल के एडवेंचर उसमें होने वाले हैं. और नजारे तो अपन दिखाते हैं. चीयर्स. मेरी बाइक लोड हो चुका है, संजीव भाई की बाइक और निखिल की बाइक अभी लोड हो रही है. अभी जो है हम लोग यहाँ पे जस्ट शोरूम के सामने खड़े हैं और पीछे मंदिर है. और आज जो है नवरात्रा का स्टार्टिंग फर्स्ट डे है, तो हम लोग सोचा कि यहाँ पे मत्था टेक के राइड स्टार्ट करते हैं. और आज का हमारा जो राइड होने वाला है वो प्रॉब्ली नाको तक का होने वाला है, जो कि अराउंड 250 किलोमीटर है. 6 से 7 घंटे में लगने वाले हैं, लेकिन हमें मतलब ब्रेक वेक ले के हमें 8 से 8.5 घंटे लग जाने हैं, क्योंकि हमारा क्या है ब्रेक का सिस्टम थोड़ा लंबा घिसता है. सैंडी गर्ल की पत्नी भी देख रही है भाभी. क्यों बता देते हैं आपके बच्चे भी दिख रहे हैं. 2 बच्चे जो है लग रहा है ब्लॉग मुझे पे ही बनाया जा रहा है कि मेरी शादी हो चुकी है. 2 बच्चे हैं. 2 बच्चे जो है वो भी देख रहे हैं आपका ब्लॉग. हां भाई है 2 बच्चे हैं. फिर जो है वेदर जो है उतनी ज्यादा गर्मी नहीं, लेकिन धूप जो है ऑब्वियस की बात है पहाड़ों में धूप ज्यादा लगता है, इस वजह से धूप थोड़ी सी जलने वाली धूप है. ये देखो कितना घना लग रहा है, कितना मतलब एपिक लग रहा है. ऊपर से ड्रोन शॉट्स कितने बढ़िया आएंगे अभी, लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि अभी ड्रोन शॉट्स ऊपर से ले. इन वादियों में मतलब बहुत अलग ही फील आ रहा है. और ये जो रोड है ये आपका नारकंडा से डायरेक्ट आपका चला जाएगा नाको को. ये काजा एक्चुअली जाता है, इस रोड को आपने छोड़ना ही नहीं है और ये स्ट्रेट नेशनल हाईवे पे कनेक्ट होकर चला जाता है. तो इस नज़ारे का लुफ्त जो है ना आप उठाओ मेरे वीडियोस देख के, क्योंकि ऐसे नज़ारे आपको मेरे वीडियो में जो है दिखते ही रहेंगे अभी. और ख़ास करके ये डिग इन स्पीति जो सीरीज चल रहा है इसमें तो और भी अच्छे अच्छे नज़ारे आपको दिखने को मिलेंगे. जब आप बाइक राइड करते हो ना तो आप ज़्यादातर शॉट्स ले नहीं पाते हो, क्योंकि आपको बाइक भी राइड करनी होती है और ड्रोन शॉट्स या फिर सिनेमेटिक शॉट्स भी लेना पड़ता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है. तो उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा अवॉइड करते हैं वो सब. बट जो भी बेस्ट पॉसिबल शॉट्स होते हैं वो सब करके तो दिखाना बनता है ना. ऐसा लग रहा है कि कश्मीर के वादियों में चल रहा है ऐसा. ये नज़ारे देखो आप, मतलब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे माउंटेंस है और ये सामने बड़ा माउंटेन है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये घटते जा रहा है और दोनों तरफ से ऐसे डिक्लाइन है. बहुत सुंदर लग रहा है, क्या गजब, मतलब चुम्मेश्वरी व्यू है. तो ये वाला रास्ता जाता है ये रामपुर की तरफ जाता है, डेकोंग प्यो वगैरह की तरफ. और पीछे एक रास्ता लेफ्ट की तरफ जा रहा था वो आपका कुल्लू मनाली, यही वाला रास्ता जाता है. ये लो लंबे जाम में हम फंस गए. अभी बाइक काफ़ी ज़्यादा लोडेड है इसलिए ऑफ रोडिंग करने में उतना मज़ा नहीं आएगा, और इसी वजह से हम बैठ के चला रहे हैं तो साइडलिंग करके मज़ा ही आ जाता है. ऑफ रोड का टेंशन नहीं है, टेंशन मुझे ये धूल का है जो मेरे जैकेट को जो है अच्छे तरीके से गंदा कर चुके हैं. लेकिन कोई बात नहीं, दाग अच्छे हैं. और ऑफ रोड में हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब आपका एयर प्रेशर थोड़ा कम हो, मतलब यूजुअली जैसे हम अभी 40 PSI रखे हुए हैं, तो ऑफ रोड के टाइम में मुझे 30 to 35 के बीच में रखना पड़ेगा, तभी जाके ऑफ रोडिंग में मज़ा आएगा. क्योंकि क्या होता है ना कि आप एग्जैक्ट पॉइंट पे रखते हो तो ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा गाड़ी जो आपकी बाइक जो है बाउंस करती है, गाड़ी डैमेज होने का भी चांसेस होते हैं. इसी का तो मज़े है, ये देखो कितना अल्टीमेट नज़ारा है इसे. और जैसे जैसे हम लोग नाको की तरफ और बढ़ते जाएंगे और अच्छे अच्छे और शानदार नज़ारे जो है आपको देखने को मिलेंगे. और जितने अच्छे नज़ारे हैं उतने ही खतरनाक रोड है. रोड तो नो डाउट बहुत ही शानदार बना हुआ है, बहुत ही एकदम. पागल लोग हैं लोग, मुझे लगता है कि ये ऑफ रोड का पैच अभी थोड़ा दूर और मिलने वाला है. मेरा क्या है कि लोडेड है ना बाइक, इसके वजह से हमें जो है बहुत ही संभल संभल कर चलना पड़ा, नहीं तो हिमालयन के लिए ये सब पीस ऑफ केक है.
sé que no la pruebes que me gustará. Si no quiero algo serio que no vaya más. Me tiene adictivo a ese mirar y esos labios, baby, que quiero besar. Tú eres como el deseo que tuve de niño y ahora ese sueño que ya es realidad. Los dos sabemos dónde va el camino, directo a la ducha, baby, vamos a hacerlo ya. अभी जो हम लोग रामपुर पे रुके हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 40 किलोमीटर ही अब तक हम लोग होटल से डिस्टेंस कवर अप कर पाए। अप्रॉक्स 160-170 किलोमीटर और बाकी है, विच इज नाको। अभी देखते हैं कितना और डिस्टेंस कवर अप कर पाते हैं। और इन रास्तों पे पिछले आधे घंटे से चला रहे हैं। एक्चुअली हम हिमालयन को ऑफ टेरेन या फिर टार्मिक रोड पे कंटिन्यूसली रेव किए जा रहे हैं। मज़ा सा आ गया एकदम। प्लस क्या है कि इतनी गहरी खाई है लेफ्ट हैंड साइड पे कि देख के चक्कर आ जाए। ये देखो बस कितना मतलब कम डिस्टेंस में ये दोनों पार कर रहे हैं। बाप रे, देख के खतरा लग रहा है। ओ भाई, यही होता है हिमाचल का बस चलाने वाले का। ये पहाड़ देख रहे हो आप, ये पहाड़ ऐसे कटे हुए हैं। अब नीचे से रोड है और वो भी सिंगल लेन रोड है, डबल लेन रोड तो है ही नहीं। यहाँ पे डिफ़िकल्टीज होती है और मैंने वीडियोस में देखा है कि आगे और ज़्यादा खतरनाक है। आपके सर के ऊपर से ऐसे पहाड़ है, केव टाइप का बना हुआ, नीचे से रोड जा रहा है। तो ये कढ़ी चावल है, इसमें पकौड़े नहीं है, कोई बात नहीं। हम लोग जो है करीबन नागपुर से 154 किलोमीटर के आसपास दूर है, जो कि 4 घंटे और लगने वाले हैं। अभी टाइम जो हो रहा है 4 बज रहा है। नागपुर पहुँच पाएंगे कि नहीं? तो 9 घंटा, मतलब 9 बजे तक पहुंचेगा। खाओ। तो ये वाला जो ढाबा है इसमें हम लोग रुके हुए थे, प्लान इसमें था रुकने का, लेकिन इस वाले ढाबा में रुके हैं, शर्मा ढाबा करके कुछ। तो ऐसे है कि यहाँ का खाने जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था सुबह से एक्चुअली भूखे पड़े थे, लेकिन खाने के लिए सुबह तक बहुत अच्छा खाना मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो खाना काफ़ी सादा मिला, हो सकता है कि यहाँ का खाना एक्चुअली पहाड़ों का खाना बहुत सादा होता है, उसमें मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं होता है, तो सादा खाना जो हमें भाया नहीं। शकल और बाल की जो हालत हो रखी है बहुत ख़राब हो रखी है, और सबसे अच्छी बात है कि बाइक अच्छी चल रही है और टायर प्रेशर का जो टेंशन था वो थोड़ा सा लाइट हो रखा है। सो अभी टैंक जो है रिजर्व में थी, इसलिए फ्यूलिंग करवाना ज़रूरी है। ठीक है। सो ये जो है देशभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है, मतलब किन्नौर वैली में अब हम लोग घुस चुके हैं। ये देखो पहाड़ों को काट के जो रास्ता बनाया इन्होंने, गजब। ओहो बहुत सही। ये देखो क्या वाटरफॉल का नाम था। यहाँ पे एंट्री करवाना पड़ेगा। ये देखो पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया गया। वैसे तो इस गली हर पहाड़ों को काट के रास्ता बनाते हैं, लेकिन एकदम आपके हेड पे काफ़ी ज़्यादा भयानक लगता है। और यही है किन्नौर वैली, सुबह में सनराइज़ के टाइम में दिखाएंगे आपको हम कि किन्नौर कैलाश कैसा होता है, कितना खूबसूरत दिखता है ये। मतलब हमें स्टार्टिंग में लग रहा था कि एडवेंचर नहीं है, प्लेन रोड से बस चलते जाओ, लेकिन ऐसे ऐसे रास्ते और जगह हैं उनको देख के लगता है कि भाई दिस इज़ फुल ऑफ एडवेंचर। ये देखो सामने की ओर अल्टीमेट। ओ भाई गजब। ओ भाई ब्लैक सा ये रेज आ रहे हैं, बहुत ही एपिक सीन लग रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ये किन्नौर वैली है, और ये पूरा रास्ता किन्नौर वैली जाता है, और ये पहाड़ की साइड से ये रास्ता जाता है। बहुत ही एपिक सीन आता है यहाँ पे। मतलब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, फोटो सेशन नहीं करवा रहे हो, तो वेस्ट है आपका आना। मतलब बहुत सही सीन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, वाइब कितनी अच्छी है और हवा उतना ही तेज कि मुझे ड्रोन उड़ाने में जो दिक्कत हुई है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल। अभी आप देखो ये वाला पार्ट देखो,
कितना येलोइश है ये वाला पार्ट, मतलब पूरा सनराइज आ रहा है उस पर, डायरेक्ट सनराइज आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत एपिक लग रहा है। देखो यहाँ पे ऊपर में ये थोड़े से व्यू आ रहे हैं, बहुत सही लग रहा है। अब यहाँ पे जो ड्रोन शॉट्स लिए गए हैं, बताना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, लाइक कर सकते हो वीडियो को। अब यहाँ से निकलते हैं। ओ भाई ये देखो, ये है असली कहते हैं रास्तों का मज़ा, मतलब सफ़र सुहाना होना चाहिए। देख लो एपिक एपिक। और हमें लगता है कि रास्ते पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रास्ते अभी धीरे धीरे ख़तरनाक हो रहे हैं, नैरो भी है और गड्ढे भी हैं। ऐसे भी हमें अभी कुछ नज़ारे तो दिखने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना बाइक को स्ट्रेच कर ले अच्छा खासा, ताकि एक अच्छे लोकेशन पहुंच जाए। और सुबह होते ही ओ भाई, ट्रक वाले को तो क्या ही कहें हम। ये हो गया है अब जाम, अब डिसाइड हो रहा है कि वो पीछे जाए या फिर ये पीछे आए। और यही हिमाचल के वो रोड हैं, अभी तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बना दिया इन्होंने, टारमैक रोड कर दिया है। नहीं तो हमने वीडियोज़ देखे हैं हिमाचल के, एक किन्नौर वैली के ही, जिसमें ऐसे बसेस जो होते हैं हिमाचल प्रदेश के, जो लोकल बसेस होते हैं वो चलाता है भाई, मतलब मानसून सीज़न में वो लोग चलाते हैं गाड़ी ऐसे कि मानो आपका जान निकल जाए ऐसा। ये लो भाई, ये फ्लैग्स देखकर अलग ही फील आती है पहाड़ों में। ये वही पावर प्लांट है जहाँ पे दो नदियाँ मिलती है, और ये आई गेस एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रो प्लांट है। ये वही है, रिटर्निंग में हम आएंगे तो आपको दिन के उजाले में इसको दिखाएंगे। पानी गिर रहा था ऊपर से। हाँ जी, तो अभी के अपडेट्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग अभी नाको से तकरीबन 117 किलोमीटर पहले हैं, हमें जो लगने वाले हैं तकरीबन 2 से 2.5 घंटे गूगल के अकॉर्डिंग लगने वाले हैं, बट हमारे अकॉर्डिंग 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे नाको पहुंचते। और अभी रात के 8:15 हो रहा है, अगर रोड ऐसे हुए तो हम लोग स्ट्रेच कर पाएंगे, या फिर हम लोग थके हुए होंगे तो हम लोग स्पिलो करके एक जगह है जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है वहाँ पर रुक जाएंगे। ये जो जगह है वो 1700 कुछ मीटर ऊपर है, इसी वजह से इतनी ठंडी नहीं है यहाँ पे, बट नाको जो है वो 3600 मीटर के करीब है एल्टीट्यूड पे, तो वहाँ पे ठंडी होने वाली है, जो कि हमें यहाँ से दुगना ऊपर जाना है, ठंड तो लगेगी कंफर्म है ये चीज़। और ये लोहे वाले ब्रिज का इंतज़ार जो था हमें हमेशा रहता है, पहाड़ों में आते हो लोहे का ब्रिज आपको नहीं मिला तो फिर क्या घूमा आपने। गैंगटोक से लाचेन जा रहे थे रात में अकेले, तो 2-3 मुझे लोहे के ब्रिज मिले जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थे, और उस वक्त जो था हमारी तो लगी थी लंका। ऐसी आवाज़ होता है। ये देख रहा मार्क, ये बरंगलामा से हुआ, और अभी रात के 10 बज रहे हैं, और हम लोग नाको से एक्चुअली अभी 61 किलोमीटर हैं, जो कि 2 घंटे और लगेंगे हमें नाको पहुंचने में। स्पिलो में हम लोग अभी चाय पी रहे हैं, क्योंकि चाय पीना ज़रूरी था, और रात के 10 बज चुके हैं तो ऑब्वियसली ठंड और ज़्यादा लग रही है, और हवा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो जैसे अंदर आ गए बाइक बाहर है। तो यहाँ से हमें जो है नाको क्लियर राइट लेना पड़ रहा, और काल्पा वगैरह रिकोंग पियो वगैरह लेफ्ट में चला जाता है। ये देखिए वाटरफॉल, कह रहे नहाना है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:42 हो रहे हैं, और हम सभी लोग निकल चुके हैं नाको के लिए। बहुत टफ डिसीजन था कि नाको के लिए निकलना है या फिर नहीं निकलना है, बट निखिल मेंटली प्रिपेयर था, तो इसी वजह से हम लोग निकल रहे हैं अभी नाको के लिए। नाको अराउंड हमें यहाँ से 1.5 घंटे और लगेंगे पहुँचने में, और वहाँ पर गेस्ट हाउस वालों से भैया से बात हो रखी है, अभी देखते हैं वहाँ पर क्या सीन है, क्या खाने अवेलेबल वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह बाकी सब चीज़ें जो है रखी हुई है। सो अभी क्या था कि हम लोग पिछले 15 किलोमीटर से
ब्लैंक इसी रूट पे चले जा रहे हैं और जितने भी लोकेशन वाले जो बोर्ड होते हैं उस पर अलग अलग नाम लिखे हुए थे, नाको का कोई नाम लिखा ही नहीं था। हम लोग लगे कहीं हम लोग गलत रूट पे तो नहीं आए, क्योंकि सुनसान कोई घर वगैरह कुछ नहीं था, अभी पीछे एक आर्मी बेस कैंप था, तो वहाँ पे हमने उनको उठाया और जैसे उनको पूछे उससे आगे बढ़े तो थोड़ा दूर आगे बोर्ड भी दिखा नाको का, जो कि 15 किलोमीटर है और अभी रात के 12:03 हो रहा है। जो नाको में अंकल जी को हमने कहा था गेस्ट हाउस के लिए वो भी वेट कर रहे हैं। हवा इतनी तेज़ है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा हेलमेट जो है लेफ्ट से राइट भागे जा रहा है जैसे मैं स्पीड चला रहा हूँ। तो अब मेरा क्या है कि ये वाइज़र और जो एक्सटेंडर हमने लगा रखा है उसकी वजह से उतना ज़्यादा विंड नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ा सही फील हो रहा है। लेकिन निखिल और सैंडी भैया के जो बाइक है वो डायरेक्ट विंड चेस्ट पे स्ट्राइक कर रही है, तो जिसकी वजह से उनको ठंड वाकई बहुत लग रही होगी। आगे रास्ता ही बंद था, ये बीच बीच में ना नींद तोड़ने के लिए ऐसे रोड डाले हुए हैं ताकि किसी को स्प्लेन रोड में नींद आए तो नींद टूट जाए उनकी। बिल्कुल सही डिसीजन नहीं था ना कुहाने का इतनी रात में हम लोग का। फाइनली अभी का अपडेट ये है कि 12:34 हो रहा है और हम लोग अपने गेस्ट हाउस पे मून लेक गेस्ट हाउस नाको पहुंच गए। अंकल जी पूरा रात भर जगा दी इनको। मेंटली स्ट्रांग हो ना अभी। निखिल मेंटली स्ट्रांग था तभी हम लोग अभी नाको में आ चुके हैं। जब ठंडा लगना शुरू हुआ ना मजा आ गया। लेकिन तो ये हमारे सामान पड़े हैं और सामान के साथ एक और सामान पड़ा। विंड ब्लास्ट करते इसी के कारण तो इतना आगे तक आए हैं। हवा को चाचा बहुत वे हम लोग के लिए इंतजार किए। हाँ खड़ा रहा। अरे अरे 12:20 सोया। फटाफट जो है चेंज करके खा के सोते हैं। पता नहीं खाने में क्या मिलेगा अभी, लेकिन अभी सोते हैं, फटाफट सोते हैं अभी, क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही है और बॉडी जो है बहुत ज्यादा पेन कर रहा है अभी। सैंडी भैया तो काजा भी मारेंगे। चलिए ये कुछ ऐसा दिखता है और ये हमारा होटल है, ये नाको लेक है और ये पूरा नाको गांव है। तो ये सुबह में कुछ ऐसा व्यू आपको देखने वाला है। लेकिन क्या नाम है अंकल आपका? तोताराम नेगी। तोताराम नेगी। अरे अरे तुम्हारा क्या? काला कौवा। सैंडी में क्या उड़ता पंछी जय काजा। प्रशांत का ड्रोन उड़ाता है ना, मतलब तो खाजा मेरे खाजा। सुबह में हम लोग जब खिड़की पे आएंगे ना तो देखेंगे उसके बाद ही पता क्या होगा। मैक्सिमम फ्लाइट ऑन रीच। सबसे पहला बात सब्सक्राइबर को, हम लोग रात को 12 बजे यहाँ पहुंचे, 12:30 में सोते सोते 1:30 बजेगा, 7 बजे उठाए तो कनपट्टा फाड़ देंगे। ठीक है, सोते थे ना आराम से, बस हंस इसलिए रहे कि हम लोग को ठंड लग रहा। सब सो गए यहाँ लोग, नहीं जागे आप लोग खाते। अंकल जो है यहाँ पे अभी ब्लैक टी बना रहे हैं, मैगी भी ना। चलिए चलिए हम लोग भी मदद करेंगे, आते हैं चेंज करके इसको, आते हैं। हाँ इसमें देखो ये सारा बर्फ है जो है, लकड़ी जलाया गया है, लकड़ी ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। बाकी इधर अभी चेंज वगैरह करके बैठते हैं यहाँ पे। क्या धुआं लग रहा है आपने भाई? लग जाएगा भैया धीरे धीरे। कौन मुटका? ये मुटका क्या? हम ये मुटका। अभी जो यहाँ पे बॉनफायर विथ ब्लैक टी एंड बिस्किट, अंकल ने मैगी बनाया है बहुत सारा। ये जो नज़ारे हैं मतलब इसका कोई कंपैरिजन नहीं। हम लोग इतनी रात में रिस्क लेके एडवेंचर करके इस जगह पे आए हैं, तो ये जगह वर्थ है आने का। स्नो कवर्ड माउंटेंस है, ये छोटा सा गांव है और ये बीच में नाको लेक है। और भैया यहाँ पे आ गए हैं। गुड मॉर्निंग भैया।
एंड बहुत टाइम बाद जो है हमने ये कैप पहना है। बहुत जगह हम ठंडी में गए हैं लेकिन आज तक अभी कैप नहीं पहना, लेकिन यहाँ पे कल रात में आते ही हमें कैप पहनने की जरूरत पड़ी क्योंकि -5 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे रात में। अभी धूप में रह के ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। अजीब बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे रनिंग वाटर नहीं आता है। आपको ये जो पाइप है यहाँ पे नलका लगा हुआ है, आपको उसी में से बाल्टी में पानी भरना है और वॉशरूम या फिर नहाना है तो उसी से यूज़ करना है, क्योंकि रनिंग वाटर यहाँ पे है नहीं। क्योंकि यहाँ पे रनिंग वाटर के लिए जितने भी पाइपलाइंस है ना वो सारे फ्रीज हो चुके हैं, तो वो जब तक पिघलेगा नहीं तब तक घरों में पानी आएगा नहीं। लेकिन ये भी एक पार्ट ऑफ एडवेंचर है, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि जो गेस्ट हाउस हमारा है वो मून लेक गेस्ट हाउस है। इस रास्ते के थ्रू पैदल आना पड़ता ऑल द वे यहाँ से। और ये जो है अंकल की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये गाँव है छोटा सा, पूरा नाकू गाँव इसी में बसा, इतना ही दोनों बसा हुआ है और ये नाकू लेक है। और अभी का सीन ये है कि अंकल से वो रॉड जो था पानी वाला वो मंगवाया है और वॉशरूम वगैरह करेंगे, क्योंकि नहाने की हमारी हैसियत तो अभी बिल्कुल भी नहीं है। मज़ा आ रहा है लेकिन कैसा भी हो अलग एक्सपीरियंस आ रहा है। नेक्स्ट व्लॉग होगा मतलब एपिसोड 4th होगा आई गेस, तो उसमें जो है हम लोग कवर अप करेंगे काजा। और काजा का जो रास्ता है वो बहुत ही अल्टीमेट है, वो व्लॉग आप मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर वो व्लॉग आपने मिस कर दिया ना तो मतलब मेजर पार्ट जो है हमारे डिगन स्पीति सीरीज का वो आप मिस कर दोगे। बाकी इस वाले व्लॉग को यहीं पे रखते, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ वीडियो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, इंटरटेनिंग लगा हो, हमारी मस्तियाँ हमारे एडवेंचर अच्छे लगा हो तो लाइक करना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, और हमारे लोगों का परफॉर्मेंस उमदा लगा हो, हमारा व्लॉग भी उमदा लगा हो आपको तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो बनता है ना, मतलब सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और हमें मोटिवेशन मिलेगी तो आपको नज़ारे जो है और ज़्यादा अल्टीमेट और बेस्ट दिखने वाले हैं, समझ रहे हो। अभी टेम्परेचर जो यहाँ का है 2 डिग्री टेम्परेचर है। फटाफट निकलते हैं, तैयार होते हैं, काजा की तरफ निकलते हैं। बाय।